बड़ी खबर है, किसानों के समर्थन में है दिल्ली सरकार। लगातार यह बात हम बता रहे हैं, किसानों की मांगे सुने मोदी सरकार, ये कह रही है दिल्ली सरकार किसानों को दिल्ली आने से ना रोका जाए, दिल्ली बुलाकर किसानों की मांगे सुनी जाएं। ये दिल्ली सरकार की तरफ से एक बार फिर से ये बयान आया है, किसानों के साथ किसानों को समर्थन दे रही है दिल्ली सरकार। और स्पीच एक बार फिर से बयान कि किसानों की मांगे सुने मोदी सरकार। तो आंदोलन है, शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, इसको करने देना चाहिए। अगर किसानों की अपनी जायज मांग है तो उसको सुनने में क्या दिक्कत है, उसको नहीं रुकना चाहिए। तो दिल्ली आना चाहते हैं तो उनको आने दो ना, उनको अपनी बात रखने दीजिएगा। किसान को देखो, देश के अन्नदाता हैं आपके लिए किसान, सब्जी भी वही उगाते हैं, फल भी वही उगाते हैं, गेहूँ भी वही उगाते हैं, उसी की आप बात कर रहे हैं। अरे आप फल सब्जी की बात करें, उनको तो आने दो, उनको आने से क्यों रोक रहे हैं। देखिए दिल्ली सरकार का ये बयान, और दिल्ली सरकार ये भी जानती है कि दिल्ली में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। मनीष कुमार के पास लिए चलते हैं, टिकरी बॉर्डर पर लगातार वो मौजूद हैं। मनीष, वहां क्या हलचल है, क्या देखने को मिल रहा है? देखिए विप्लेश, जिस समय मैं यहाँ पे खड़ा था तो अभी पीछे लगातार जो किसान नेता है वो संबोधित कर रहे थे, लेकिन अभी खाने का इनका वक्त हो गया है और ये लोग आपस में बैठेंगे, रणनीति तय करेंगे। और यहाँ पे मैं किसानों के बिल्कुल बीच हूँ, आपको बता दें कि बिल्कुल न्यूज 24 किसानों के बीच में इस समय मौजूद है। अभी यहाँ से लगातार भाषण चल रही थी, ये लोग आपको बता दें कि एक बच्ची अपनी गुरुवाणी भी यहाँ पे बोल रही थी, गा रही थी और लगातार जो है संगीत उनको सुना रही थी, और इस तरीके से लोगों का हौसला अफजाई जो है किया जा रहा था। यहाँ पे कई किसान यहाँ पे मौजूद है और हम आपसे उनसे बात भी कराएंगे कि आखिरकार वो सोच क्या रहे हैं यहाँ से। यहाँ देखिए कुछ महिलाएं भी हैं विप्लेश, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाएं। ये देखिए यहाँ पे ये महिलाएं हैं, ये पे गाना यहाँ पे गा के सुनाएंगी और यहाँ पे लगातार लोग बने हुए हैं, कल से हम देख रहे हैं। और यहाँ पे ये लोग गीत संगीत का कार्यक्रम जो है ये सभी चल रहा है, यहाँ पे लगातार सुबह से भाषणबाजी चल रहा था, लेकिन हम यहाँ पे जो किसान नेता है लगातार संबोधित कर रहा था, उनसे बात करेंगे। सर कल भी मेरी आपसे बात हो रही थी, क्या बात है? सरकार कह रही है कि पहले 3 दिसंबर को बैठक थी, अब कह रही है 1 दिसंबर को बैठक होगी, 2 दिन आगे बढ़ी है, क्या कहेंगे? ठीक है, दोबारा करना क्वेश्चन। 1 दिसंबर को अब बैठक होगी सरकार के साथ प्रतिनिधियों की, क्या इसमें क्या कहेंगे किसानों की 1 तारीख को बैठक होगी सरकार के साथ? किसानों की जड़ी लीडरशिप है, उन्होंने अपना फैसला करना है, सरकार आपके दाव पेच खेल रही है, मीटिंग करने तो ना किसानों की जथेबंदी है जी, उन्होंने लीडरशिप है भज रही है। सर अगर हिंदी में बोल पाए तो। हाँ, किसानों की जो लीडरशिप है बिल्कुल भाग नहीं रही है, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हमारी जो लीडरशिप है, जो 31 मेंबरी कमेटी बनी हुई है, सरकार से बातचीत करेगी, लेकिन सरकार का जो टाल मटोल वाला रवैया है, पहले पहले तो वो चिट्ठी निकालते हैं, चिट्ठी भेजते हैं कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन यहाँ का जो 7 मंत्री हैं वो पंजाब चंडीगढ़ चले जाते हैं कि हम पंजाब के किसानों को समझाने आए हैं कि ये बिल आपके लिए बहुत अच्छे हैं, ये आपके हक में है। किसानों को बातचीत के लिए जहाँ बुला लिया, अब वहाँ चले गए। ये सरकार है जो टाल मटोल और दा पेच खेल रही है और कुछ नहीं कर रही है, क्या निकलेगा देखेगा वो अपना। लेकिन सर एक बात बताइए, यहाँ तो ट्रैक्टर ट्रॉली काफी मुझे संख्या में नजर आ रही है दूर दूर तक, कब तक आप यहाँ पे जमे रहेंगे? और एक चीज आपको लगती नहीं कि ये हाईवे है, हरियाणा से पंजाब से दिल्ली वालों के लिए सप्लाई आती है, अगर इसी तरीके से धरना यहाँ चलता रहा तो सप्लाई जो है सब्जियों की, दूध की, वो बाधित हो जाएगी? ये सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार समस्याएं खड़ी कर रही है, लोगों का कोई कसूर नहीं है। नतीजा निकाले, ये उठ जाएगा, सरकार की जिम्मेवारी है। क्यों अफरा तफरी वाला माहौल बनाया है? सरकार ने बनाया है, लोगों ने थोड़ा बनाया है।